दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नालंदा जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी ने नालंदा जजशिप के विहारशरीफ व्यवहार न्यायालय एवं हिलसा अनुमंडलीय न्यायालय में कम से कम एक सप्ताह तक वर्चुअल मोड में सुनवाई का आदेश दिया है। आपको बताते चले कि पटना उच्च न्यायालय ने सभी जिले के जिला जज को कोरोना की स्थिति को देखते हुए सिविल कोर्ट में कामकाज का निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया था। इस संबंध में नालंदा जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में 3 जनवरी को न्यायिक पदाधिकारियों एवं नालंदा जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक में स्थिति को देखते हुए निर्णय लेने की बात कही गई थी। नालंदा में भी लगातार कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। आपको बताते चले कि कई न्यायिक पदाधिकारी एवं न्यायालय कर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। संक्रमण के प्रसार की स्थिति को देखते हुए नालंदा जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी ने जिला न्यायालय एवं अनुमंडलीय न्यायालय में 10 जनवरी से आगामी 15 जनवरी तक केवल जरूरी मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में कराने का आदेश दिया है। आपको बताते चले कि वर्चुअल सुनवाई में जमानत और रिमांड संबंधित जरूरी मामलों पर केवल सुनवाई की जाएगी। फिलहाल फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी ने न्यायालय परिसर को सैनिटाइजेशन कराने का आदेश देते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को मास्क लगाकर सुरक्षित रहने का निर्देश दिए। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।